तो आप ही के चैनल में माधव ऑटो ज्ञान में स्वागत करते हैं जी। कंपास न्यू मॉडल्स के लेके एक न्यू अवतार में लॉन्च किया गया है और आइए इसमें आपको चार मॉडल मिलने वाले हैं, डीजल एंड पेट्रोल से और चार मॉडल अलग अलग वेरिएंट्स के साथ में। तो इसमें 2.0 लीटर की इंजन की बात करते हैं डीजल की, जिसके अंदर आपको यहाँ पे 4 सिलेंडर इंजन के साथ मिलने वाला है और 170 bhp की पावर। टॉर्क की बात करें तो इसमें आपको 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट होने वाला है जो 2500 rpm के साथ में। और यहाँ पे आपको 6 मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया गया है जीप कंपास का। और यहाँ पे आपको बात करें तो 1956 cc का इंजन मिलने वाला है डीजल। और यहाँ पे आगे की ओर चलते हैं तो इसकी माइलेज की बात करें और फ्यूल टैंक की, तो 17 का माइलेज मिलने वाला है और 60 लीटर का फ्यूल टैंक। टोर वाइजर के अंदर ऐसे सेंसर्स और यहाँ पे आपको तमाम सारे LEDs फल, यहाँ पे आप पेट्रोल्स का पोस्पटिंग और यहाँ पे आपको 18 इंच के टायर और ढेर सारी सुविधा के साथ में जीप कंपास आपके लिए न्यू अवतार में लॉन्च हो चुकी है। और काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स आपके साथ में देखने को मिलेंगे। शार्क एंटीनास यहाँ पे आपको ओवल बीम के अंदर दोनों साइड आपको मिलने वाले हैं। कैमरेस अंदर स्टेयरिंग की बात करें काफ़ी कूल लुकिंग, जो एक स्टाइलर के साथ में सिल्वर मतलब ब्लैक का काफ़ी यूज़ किया है। लेदर वाली फैब्रिक वाली सीटें हैं। यहाँ पे आपको जीप कंपास ब्रांड नेम और यहाँ पे आपको दिया है प्रोजेक्टर हेलोजन बल्ब DRR के साथ में, काफ़ी स्टाइलर बनाया गया। तो आइए हम सारे लुक तो दिखा चुके हैं पर अंदर की ओर चलते हैं। इसमें आपको यहाँ पे दिए गए हैं सनरूफ के ऑप्शंस एक नहीं दो, जिसके साथ में यहाँ से ही डिक्की भी ओपन होती है और दो लाइट का भी ऑप्शन दिया गया है। इसी के साथ में आप देखेंगे यहाँ पे लाइट छोटा सा एक मीनार दिया गया है जिसके द्वारा पीछे की गाड़ी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सनराइज दिए गए हैं दोनों साइड। और नीचे बात करें तो यहाँ पे AC के कंट्रोल दिए गए हैं काफ़ी गुड लुकिंग के साथ। और यहाँ पे आपको इंटीरियर के अंदर लेदर का यूज़ किया गया काफ़ी फिनिशिंग के साथ में, जो खूबसूरती इस गाड़ी को लुक बनाता है। और यहाँ पे आप चलेंगे तो MID डिस्प्ले मिलने वाला है, जिसमें आप सारी जानकारी इंजन से रिलेटेड चीज़ देख सकते हैं। एप्पल यहाँ पे एंड्रॉयड वाला डिस्प्ले मिलेगा 10 इंच का और काफ़ी खूबसूरती के साथ में। यहाँ पे आपको तमाम सारे ऐसे कंट्रोल फ्यूज मिल जाएंगे। और यहाँ पे इंटीरियर के साथ साथ आपको वायरलेस चार्जर जो फास्ट चार्जर का ऑप्शन दिया गया है। तो बैक साइड तो आप देखिए, फ्रंट साइड देख चुके हैं, अब बैक साइड चलिए। यहाँ पे आपको AC के दो कंट्रोल्स मिलेंगे और यहीं पे USB कार्ड का ऑप्शन, चार्जिंग के पॉइंट्स दिए गए हैं। 3 जने काफ़ी कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको दो कप होल्डर्स दिए गए हैं जिसके द्वारा आप कुछ चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। और हर डोर वाइज के अंदर आपको मैनुअल कांच का ऑप्शन, पोर्टल हैंडल्स का ऑप्शन, यहाँ पे 18 इंच के LIVs मिलने वाले हैं जो ब्लैक्स काफ़ी खूब सूट करते हैं इस रेड कलर के साथ में जीप कंपास के साथ में। और मरघाट के ऊपर भी काफ़ी फिनिशिंग दे रखी है। यहाँ से ओपन करने के बाद आपको पहली बार किसी न्यू गाड़ी फीचर्स वाली बात करते हैं तो इसके अंदर पेट्रोल टैंक्स के अंदर आपको ढक्कन नहीं दिया गया है, डायरेक्ट पेट्रोल डालिए और ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। यूरिया टैंक्स का भी ऑप्शन दिया गया है जो 60 लीटर के साथ में। और यहाँ पे बैक साइड देखेंगे तो पार्किंग सेंसर दिए गए हैं जिसके द्वारा गाड़ी को पार्क करने में आसानी होती है। और यहाँ पे आपको डिक्की खोलने का ऑप्शन, नीचे आपको एक कैमरास दिया गया है जिसके द्वारा आसानी से गाड़ी के अंदर के फीचर्स देख सकते हैं। ब्रांड नेम गुड लुकिंग के साथ में यहाँ पे डिक्की को ओपन करके भी आपको काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स मिलेंगे इसके अंदर, जो आप दोनों तरफ से इसको ऑपरेट कर सकते हैं, अंदर से भी ड्राइवर हैंडल्स के पास में। और यहाँ पे स्टेपनी व्हील्स मिलेंगे। इसी के अंदर टूल बॉक्स रखे गए हैं जिसके अंदर गाड़ी में कोई भी आपत्ति में आप चेंज कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स के साथ में मतलब 120 फीचर्स इसमें इंस्टॉल किए गए हैं जीप कंपास में। और आइए तो ये सारी ओवरऑल तो हमने चीज़ें दिखाई भी हैं, तो यहाँ पे आइए गाड़ी की जो लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको 1640 mm का ऊंचाई मिलेगा और यहाँ पे लंबाई की बात करते हैं तो 4405 mm का। और यहाँ पे आगे की ओर चलते हैं तो इसका नीचे 18.18 का mm का लंबाई मिलेगी। और व्हील बेस तो दोस्तों इसमें 2636 mm का। तो यहाँ पे जीप कंपास को एक नए वेरिएंट के साथ लॉन्च किया गया है। तो आइए मिलते हैं नए एक वीडियो के साथ, जब तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।